नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता स्टार्ट कर ली थी और प्रायिकता से संबंधित जितना भी बेसिक था मैंने आपको समझाया कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मान किस किस के मध्य होता है, अच्छा सिक्के को उछलेंगे तो क्या परिणाम आएंगे, पासे के संबंधित और ताश की गड्डी से संबंधित मैंने आपको पूरी जो जानकारी थी बेसिक जो था पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवाया। चलो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसी में ही 15.1 जितने भी क्वेश्चनों मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप स्वयं करें, जहां कहीं समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 15.1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सवाल करने का तरीका अपना क्या होगा, मैं पहले आपको वह सवाल करवाऊंगा जो सबसे क्या हो, इजी हो, और फिर अपन क्या बढ़ेंगे, टफ की तरफ बढ़ेंगे ताकि इजी आपके पहले क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो 15.1 में पहला सवाल क्या है देखते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यहाँ आपके पास कथन दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इन कथनों को पूरा करना है, अर्थात खाली स्थान जहाँ पर भी है या फिर रिक्त स्थान जहाँ पर भी है उसकी क्या करनी है, अपने को पूर्ति करनी है, भरना है। क्या है, पहला है अपने पास घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जो योग है वो कितना होता है। कल ही मैंने आपको बताया था घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, एक होता है। यानी यहाँ जो आपके पास रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसकी जगह आपके पास में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योग है वो कितना होता है, एक होता है। आगे बढ़िएगा, दूसरा इसी का क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी जो प्रायिकता है आपके पास वो होती है जीरो, और ऐसी घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना, असंभव घटना। जो घटना घटित ही नहीं हो रही है यानी उसकी जो प्रायिकता है वो क्या है, जीरो है, शून्य है। यह आपका दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, घटना घटित होगी यह आपको बता दिया कि क्या है, निश्चित है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कहलाती है आपकी निश्चित घटना, और निश्चित घटना का जो मान है या फिर प्रायिकता जो है आपकी वो कितनी होती है, एक होती है। तो ये हो गया उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता है आपके पास एक, और ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। क्या कहलाती है, निश्चित घटना। आगे बात करते हैं इसी का चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं या फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है, ये आपको पूछ रहा है। याद रखें आप, कोई भी आपके पास अभिप्रयोग है या फिर प्रयोग है उसमें जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। एक बार वापस सुनिएगा, आपके पास कोई प्रयोग है, अभिप्रयोग है, उस अभिप्रयोग के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का या फिर जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, आपके पास एक होता है। यानी इस खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। कल ही मैंने आपको बेसिक बताया था, जिसने बड़े आराम से ध्यान से सीखा है वो बता देगा कि इसका मान क्या होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास प्रायिकता है इस प्रायिकता का जो मान है वो जीरो से हमेशा बड़ा या फिर जीरो के बराबर, एक से छोटा या फिर क्या होता है, एक के बराबर होता है। इसी बात को मैं यहां लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके क्या होती है, बराबर होती है। एक लिखेगा पूरा, एक से छोटी या उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो ये मैंने जो खालिस्तान वाला पार्ट है ये पूरा भर दिया है। मेरा ये करवाने का कारण क्या रहा, ताकि आपने जितना भी बेसिक पढ़ा है वो बेसिक आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो ये आपके जो पास क्वेश्चन नंबर पहला था इसके पांच पार्ट थे, खालिस्तान वाले वो मैंने पूरे करवाए। इसी प्रकार जो आपका इजी क्वेश्चन होगा वो मैं पहले करवाऊंगा। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, यदि
पी ऑफ ई बराबर आपको दे रखा है 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। यहाँ आपके ई कोई घटना है, इस ई के घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखा है कितना है 0.05 इसका मान दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ई के नहीं यानी ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। कल ही और अभी मैंने आपको जस्ट जो खालिस्तान भरवाए थे उसमें भी एक बात कही थी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, एक होता है। जब इन दोनों का योग एक होता है तो मैं क्या करूँगा, ई नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए इस एक में से क्या माइनस कर दूंगा, घटित घटना के घटना जो आपके पास ई है इसके घटित होने की प्रायिकता, यानी क्या हो जाएगा अपने पास 1-0.05। तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 0.95। देखिएगा कैसे करेंगे, जो आपको दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ आपको दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है दिया है, लिख लो पहले एक बार। पी ऑफ ई बराबर है आपके पास 0.05। याद क्या करना, ई नहीं होने की, ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता हम जानते हैं, वी नो देट, हम क्या जानते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। कल ही मैंने आपको बताया था नहीं होने की बात जहाँ होगी मैं कहाँ क्या लगाऊंगा, वहाँ पर बार लगाऊंगा। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, एक होगा। यानी यहाँ आपको क्या दे रखा है, पी ऑफ ई दे रखा है, इसलिए आपके पास क्या बन जाएगा 0.05 प्लस पी ऑफ ई बार बराबर एक। मुझे निकालना है पी ऑफ ई बार, तब आपके पास क्या बन जाएगा 1-0.05। तो ये आपके पास बन गया 0.95। यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये आपके पास कितनी आ गई 0.95। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 5। इसी प्रकार है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार हैं, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता कि जो हम गेंद निकाल रहे हैं वह गेंद लाल हो, और इसकी क्या प्रायिकता कि जो हम गेंद निकाल रहे हैं वो लाल नहीं हो। यानी आपके पास एक थैला है और उस थैले के अंदर 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं, तो इस थैले में एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके पास लाल गेंद है कितनी, वो है आपके पास 3, काली गेंद है कितनी, वह है आपके पास 5, कुल कितनी हो गई आपके पास 5 और 3 8 हो गई। यानी जो भी मैं गेंद निकालूंगा वह गेंद कहाँ से निकालूंगा, उन 8 ही गेंदों में से निकालूंगा, ठीक है। तो कुल परिणाम आपके पास हो गया 8। पहली बात क्या कह रहा है कि निकाली गई जो गेंद वो लाल हो। अच्छा, लाल गेंद के प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है आपके पास 3, कुल परिणाम कितने हैं आपके पास 8। यानी उन 8 गेंदों में से जो लाल गेंद आने की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 3/8। कंप्लीट है क्या? दूसरा आपके पास क्या हो गया, लाल नहीं हो, जो आप गेंद निकाल रहे हो वो लाल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, थैले में आपके पास 2 प्रकार की गेंदें हैं, एक गेंद आपके पास लाल नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आपके पास दूसरी जो गेंद होगी वह कैसी होगी, काली होगी। यानी मैं बोलूं कि काली गेंद के प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम वो आपके पास हो गए 5, कुल परिणाम आपके पास 8, तो ये हो गया आपके पास 5/8। ये तो था सवाल को समझाने का मौखिक रूप, या फिर सवाल की भूमिका क्या हो मैंने आपको समझाई। करेंगे कैसे, देखिएगा, एक थैले में, इसका हल मैं आपको करवा रहा हूँ, एक थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी आपके पास, वह है 3। इसी प्रकार काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5, और कुल गेंद कितनी हो गई आपके पास, या फिर कुल गेंदों की संख्या ये हो गई 5 और 3 8। यानी आपके पास कुल गेंद कितनी है, वह है 8। पहला क्या कह रहा है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई गेंद क्या हो, लाल हो। तो पहला मैं कर रहा हूं, हाँ, निकाली गई गेंद के लाल प्राप्त
होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा, जो अपन गेंद निकाल रहे हैं वो गेंद लाल है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यानी आपके पास लाल गेंद है कितनी, 3 है। और कुल परिणाम की मैं बात करूं तो वैसे मैंने आपके लिए लिख रखा है कुल गेंदे जो ही है आपके पास क्या बन गया, कुल परिणाम तो वह हो गया 8। तो आप लिख सकते हो, अतः निकाली गई गेंद के लाल प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने आपको कल ही लिखवाया था, जिस सवाल के अंदर सूत्र का प्रयोग हो रहा है तो आप सूत्र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियम है, या फिर हम ऐसा कहें कि जहाँ पर कोई सवाल है उसके अंदर सूत्र है तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। एग्जामिनर के पास ये मौका होता है या अधिकार है कि आप यदि फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो आपके नंबर काट लें, इसलिए आपको फॉर्मूला लगाना है। अतः निकाली गई गेंद के लाल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है आपके पास, अनुकूल परिणाम जो है आपके पास वो 3 है, कुल परिणाम आपके पास 8 है। आप फॉर्मूला लिख सकते हो चूंकि लगाकर, चूंकि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वह आपके पास होता है अनुकूल परिणाम बटे वा कुल परिणाम। ध्यान रखें, एक ही सवाल के अंदर आपको जो है दो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लगा दिया कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का होता है, अनुकूल परिणाम बटे वा कुल परिणाम। अतः निकाली गई गेंद के लाल प्राप्त होने की जो प्रायिकता वो कितनी हो गई, आपके पास कुल परिणाम 8 है, अनुकूल थे 3, तो ये आपके पास कितना बन गया, 3/8। दूसरी क्या कह रहा है, जो आप गेंद निकाल रहे हो लाल नहीं हो, यानी क्या हो, काली गेंद हो, तो दूसरा आपके पास हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, काली गेंद के प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, कुल परिणाम है आपके पास 8, तो लिखेगा अतः काली गेंद के प्राप्त होने की प्रायिकता, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, अतः काली गेंद के प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना जो है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, अनुकूल परिणाम बटे वा कुल परिणाम। आप दूसरी बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे चूंकि हमने पहली बार लिख दिया था, अनुकूल परिणाम आपके पास 5 है, कुल परिणाम आपके पास 8 है, तो कितना बन गया आपके पास, 5/8, यानी लाल गेंद के प्राप्त होने की प्रायिकता जो आपके पास कितनी आ गई, वो 3/8, और लाल गेंद नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास, 5/8। अच्छा, इसी सवाल को एक तरीका और है जिससे हम कर सकते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जो योग है वो कितना होता है 1। यदि आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना चाहो, सेकंड वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको एक तरीके से किस प्रकार हम कर सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल ही मैंने आपको लिखवाया घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होना, इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। यानी घटना घटित हो रही है, लाल गेंद आपको प्राप्त नहीं हो रही है, सॉरी हो रही है, और इसकी प्रायिकता जो है आपके पास 3/8 है, और आपको निकालना है कि लाल गेंद प्राप्त नहीं हो रही है, घटना के घटित नहीं होना है, यानी यह आपको निकालना है P(e)₁। ये आपके पास 1 है, P(e)₁, ये प्लस का 3/8 है, उधर गया किसका बन गया, माइनस का 3/8, दोनों का यहाँ नीचे कुछ नहीं था तो क्या आपके पास हो गया 1 हो गया। दोनों का हमने लिया एलसीएम तो 8 आ गया, 1 का भाग दिया 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया, 8 × 1 = 8, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 8 − 3 ये आपके पास हो गया 5/8। देखिएगा 5/8 वही आंसर है, और 5/8 जो हमने यहाँ आंसर निकाला था वही है। दोनों तरीके सेम हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन मैंने आपको जो है दोनों तरीके बता दिए हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला क्या हो, लाल हो, दूसरा क्या हो, सफ़ेद हो, और तीसरा क्या हो, हरा नहीं हो।
क्या कह रहा, कृष्ण की भूमिका समझते हैं। आपके पास क्या है, एक डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर कितने कंचे हैं, 5 तो लाल हैं, 8 सफ़ेद हैं और 4 आपके पास कितने हो गए हरे, यानी 8 5 13 13 और 4 कितना हो गया 17, यानी कुल मिलाकर आपके पास कुल कंचे हैं कितने, वह कंचे आपके पास हो गए 17। पहली बात, लाल कंचे के प्राप्त होना, लाल कंचे आपके पास है कितने, वो आपके पास 5 है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास 5, कुल परिणाम कितने हो गए 17, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 5/17। कोई डाउट है क्या? जी नहीं। दूसरी बात करते हैं सफ़ेद की, सफ़ेद आपके पास है कितने, सफ़ेद मेरे पास है 8, कुल परिणाम या फिर कुल घटना आपके पास है कितनी, तो 8/17 हो जाएगा आपके पास 17, दोनों हो गए। तीसरी, हरा नहीं है आपके पास, तो कंचा हरा नहीं है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। पहला तरीका क्या है कि आप क्या करो, हरा कंचा के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालो, फिर वही फॉर्मूला P(e+P)e^2 वहाँ से आप हरा कंचा नहीं या हरे कंचे के प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता निकाल लो, तो P(e) क्या जाएगा 1-P(e), एक तरीका आपके पास ही हो गया। या फिर अब हरा कंचा आपके पास नहीं है, मेरा कहने का जो मतलब वो समझिएगा आप, जब आपके पास हरा कंचा नहीं है, कुल कंचे आपके पास 17 हैं और उन 17 कंचों में से आपके पास हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं। अब मुझे बताएगा कंचा आपका हरा नहीं है तो कंचे कौन से होंगे, या तो क्या होगा लाल होगा या फिर क्या होगा सफ़ेद होगा, यानी 8 और 5 हो गया आपके पास 13 हो गया आपके पास अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम हो गया आपके पास 17, तो 13/17 क्या बन जाएगा 17। एक तरीका तो ये हुआ और एक मैंने आपको पहले बताया, दोनों तरीके हैं, जिस जो मर्जी हो आप कीजिएगा, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आपको ईजी लगे वो कीजिएगा। चलो सोल्व करते सवाल को, सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, हल करते हैं। डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, डिब्बे में लाल कंचों की क्या संख्या या लाल कंचे की बात है 5 हैं, ऐसे ही सफेद कंचों की संख्या कितना हो गया 8, ऐसे ही हरे कंचों की संख्या कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4। अब मैं बात करूँ कि कुल कंचे कितने हैं या फिर कुल परिणाम कितने हैं, तो वो आपके पास हो गया 8 5 13 4 17, यानी कुल परिणाम आपके पास कितना हो गया 17। अब क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया कंचा। पहला सवाल, निकाले गए कंचे के लाल प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं निकाले गए कंचे के लाल प्राप्त होने के, वह है आपके पास 5। प्रायिकता, चूंकि प्रायिकता ये होती है आपके पास P(e), फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, ये हो जाएगा अनुकूल घटना बोल लो, अनुकूल परिणाम बोल लो, संभावित परिणाम बोल लो, अपोन में कुल घटना बोल लो, कुल परिणाम बोल लो या फिर कुल परिणामों की संख्या बोलो, बात वही है, तो आपके पास हो गया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, जो आपको अच्छा लगे वो लिखें आप, कुल परिणाम बटेवा अनुकूल परिणाम बटेवा, ये आपके पास हो गया कुल परिणाम। अतः वही लाइन लिखनी है आपको, निकाले गए कंचे के लाल प्राप्त होने की, ये आपको लिखना है, निकाले गए, ये लाइन निकाले गए कंचे के लाल प्राप्त से मैं लिख रहा हूँ, प्राप्त होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम जो है आपके पास हुआ है 5 और कुल परिणाम आपके पास कितना हो गया 8, सॉरी कुल परिणाम आपके पास 17 है, तो ये आपके पास कितना हो गया 5/17, यानी मैं कह सकता हूँ कि निकाले गए कंचे के लाल प्राप्त होने की जो प्रायिकता हो कितनी हो जाएगी 5/17। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 9 का दूसरा जो पार्ट है आपके पास वो है कि निकाला गया जो आपके पास कंचा है वो कंचा कैसा हो, सफ़ेद हो, तो ये का ही सवाल है आपका पूरा का पूरा, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, निकाले गए कंचे के इस लाल की जगह मैं क्या लिख लूँ, सफ़ेद की बात हो रही है,
तो सफ़ेद लिख दिया। प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम सफ़ेद चूंकि आपके पास है कितने, वह हैं 8 प्रायिकता, चूंकि फॉर्मूला हमने पहले लिखा था तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह आपके पास मैंने हटा दिया इसे वही लाइन। अतः निकाले गए कंचे के सफ़ेद प्राप्त होने की प्रायिकता पी ऑफ ई, यहाँ अनुकूल परिणाम आपके पास 8 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए 17, यानी कितना बन गया 8/17। कंप्लीट है क्या? हरा नहीं है। पहले मैंने आपको जब क्वेश्चन की भूमिका समझाई थी तब बता दिया था कि हरे नहीं होने की हरा के नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता जो आपके पास है दो प्रकार से निकालते हैं, एक मेथड में आपको करवा रहा हूँ। हरफ कर दो क्या, ये लीजिएगा, दूसरा भी हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा है आपके पास निकाले गए कंचे के हरा प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम, यानी क्या होगा, कुल आपके पास 17 हैं, 17 में से आप कितना निकाल रहे हो, जो हरे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हो, यानी आपके पास कितना बच गया, 13 बच गया, यानी 13 ऐसे कंचे जो क्या नहीं है, हरे नहीं है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, या तो लाल होगा या फिर क्या होगा, सफ़ेद होगा, 13 में वो कंचे विद्यमान हैं। तो निकाले गए कंचे के हरा प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हो गया 13, तो वही हो गया। अतः लाइन आपको लिखनी है, निकाले गए कंचे के हरा प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, या मैं लिख लेता हूँ भाई, थोड़ा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा, इतना कष्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये लाइन आपको लिखनी है। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी, फॉर्मूला चूंकि हम पहले लिख चुके हैं, अनुकूल परिणाम आपके पास हो गया 13 और कुल परिणाम आपके पास कितना है 17, यानी कुल कंचे कितने हैं, तो ये आपके पास हो गया 13/17। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जो 15.1 में क्या है इजी थे वो मैंने आपको करवाए हैं, जो जो क्वेश्चन इजी होंगे पहले मैं वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद में जो टफ हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं उनसे संबंधित कोई एग्जाम्पल हैं तो आप एग्जाम्पल कीजिएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपके साथ हूँ। और ये आज की जो क्लास है यहीं तक होगी पूरी, और फिर मैं मिलता हूँ आपके कल, तब तक बना रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।